दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों ने कहा है कि दिल्ली के सिख कतलेआम के 39 साल बाद कांग्रेस के आगू जगदीश टाइटलर नूं तलब किया जाना सिख कौम की वड्डी जित है और कौम यकीनी बनाएगी कि टाइटलर नूं जेल भेजा जाए। दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट वालों टाइटलर नूं 5 अगस्त को अदालत में तलब करने के फैसले मगरों मीडिया नाल गलबात करदिआं सरदार कालका ते कालों ने कहा कि समुची कौम बधाई दी पात्र है कि 39 साल बाद संघर्ष की जित हुई जदों जगदीश टाइटलर खिलाफ समन जारी हुए ने। 39 साल का संघर्ष सिख कौम का और जिस तरीके दे नाल इन्हां कातलां नूं बचाने की कोशिश की गई लगातार इहदे विच सरकारां ने पूरा हथ रख्या और सरकारां तो बावजूद जिहड़े साडे अपने सी उन्होंने भी बड़िया इस खेडा खेडिया मगर अज जी कोर्ट के उत्ते विश्वास रखते हुए इन्नी लंबी लड़ाई तो बाद अज जी माननीय कोर्ट ने जड़िया धारावान लाई हैं और 147, 149, 109, 302, 295, 236 IPC 148 ये सारिया 153, 188 ये सारिया जड़िया धारावान ला के 5 तरीक न 5 अगस्त में जोड़े समन पेश किए हैं कि हाजिर होने वास्ते कह जगदीश टाइटलर को सानू पूरी उम्मीद है कि यह जड़ा इंसाफ है सिख कौम का भावें डिले होया मगर डिनाई नहीं होएगा इनू असी किसी ना किसी तरीके सारी कौम ने संघर्ष करके जड़ा लड़िया और असी ये जित प्राप्त करांगे और आज बड़ी खुशी की लहर है कि एक जुडिशरी ने अपना रोल अपनाते हुए 5 अगस्त में जड़ा जगदीश टाइटलर को समन किया। 29 मार्च में जदों 164 के बयान दर्ज होए थे कोर्ट के वैभव मेहता की कोर्ट के मैनू उस दिन ही भरोसा हो गया सीगा कि जगदीश टाइटलर हुण जाएगा लेकिन मार्च तो बाद 20 मई में चार्जशीट फाइल की गई और अज जिहड़ा हैगा तरीका तो तरीका पै रही सीगियां अज CBI ने 188 का रिप्लाई फाइल किया हैगा और कंप्लेंट फाइल करके अज जज साहब न सारी चीज़ों तो संतुष्ट करके अज उन्हें फैसला करना पिया हैगा और टाइटलर के खिलाफ समन जारी किया हैगा और अग आने वाले 5 अगस्त को टाइटलर जिहड़ा हैगा इत्थे कोर्ट विच पेश होएगा नहीं तो उन्हें जिहड़ा और लोकल थाना हैगा वह अरैसट करके भी लियाएगी और जज साहब ने ऑर्डर कर दिता हैगा। अज सानू उम्मीद है कि जिहड़ी असी लड़ाई लड़ रहे सीगे 39 साल तो लगातार अज उहदे रिजल्ट अज आना शुरू होए ने लेकिन अज तो बाद दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी की जिम्मेवारी होर वध जांदी हैगी है क्योंकि उन्होंने बेल कराने वास्ते वड्डे वड्डे वकीलों का सहारा लेना है लेकिन मैं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब नूं और सारे मैंबरां नूं भी बेनती करांगा कि इहदे विच बहुत वड्डा वकील जिहड़ा हैगा वह पेश करनगे और आपां इहदे विच उहनूं जेल की सलाखां च भेजण वास्ते कामयाब होवांगे। अज राउज एवेन्यू के CBI वर्सेज जगदीश टाइटलर जिहड़ा केस चल रहा सी जिसनों लगातार असी परस्यू कर रहे सी लगातार असी इस दे उत्ते वर्किंग कर रहे सी हर डेट के उत्ते असी आ रहे सी साडियां भैणां मातावां 1984 दियां लगातार हर डेट के उत्ते आ रही सी और सानू पूरा भरोसा सी कि ये जो जुल्म होया सी जो सिखां दे उत्ते 1984 दे विच जिस तरीके दे कतलेआम होया सी भैणां दी बेपती होई सी उसका अज किते ना किते जख्मां दे उत्ते मलम लगन दा काम होया और अज जगदीश टाइटलर नूं समन होया कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और बहुत सारिया धारावां 147, 149, 302, 295, 436, 148, 153, 427, 188, 188 IPC ये सारिया धारावां दे तहत समन होया कॉग्निजेंस होया और हुण 5 तरीक नूं कोर्ट ने कहा कंसर्नड SHO जिहड़ा उसनों आदेश दिता है कोर्ट ने कि उसनों कोर्ट के विच पेश किया जाए। मैं समझदा कितने ना कितने मलम लाउण दा जिहड़ा काम है सिखां दे जख्मां ते होया और हुण इस गल दा असीं यकीनी बनावांगे विरोध भी करांगे कि जगदीश टाइटलर 5 तरीक नूं जदों इत्थे होए तो उन्हें अरैसट किया जाए उसकी बेल की भी असीं अपोज़ करांगे क्योंकि 39 साल तक पहले ही बाहर घूम लिया ऐश कर लिया लेकिन हुण उसनों सलाखां दे पिछे भजावांगे। देखो 39 साल हो गए है पीड़ितां नूं लड़दे हुए इस केस दे विच सानू भी लड़दे हुए 3 वारी इनू क्लीन चिट दित्ती पर देखो ये लोग तो यह चाहते ही आ कि असी इन्हां नूं पीड़ितां नूं ते पीड़ितां दे वकीलां दी टीम इन्हां नूं फ्रस्ट्रेट करती है इन्हां नूं भगा भगा के थका दिए ताकि थक के ये पिछे हट जाए तो असी बच जाइए पर देखो ये सिख करैक्टर नहीं है कि किसी नूं
छड़ना किसी नूं इस तरह इस तरीके जिन्हें कानूने जुर्म किए उन्हें इस तरह छड़ना सिर्फ इस करके क्योंकि वह वारी 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 अपनी पोलीटिकल पावर तो पैसे की पावर को यूज़ करके बचता रहा। हूँ इसने की किया है कि जिथे जो भी गवाह के खिलाफ हुंदा सी उसे नूं थ्रेटन करता सी, किसी नूं पैसे दिंदा सी, किसी नूं खरीदता सी, शुरू तो जगदीश टाइटल यही कुछ करता रहा। और इन्हें बल्कि मेरे नाल भी तुसीं टीवी डिबेट सामने देखी है, ओपनली टीवी ते मैनूं भी थ्रेटन किया ये। और इतों तक कि गुरद्वारा कमेटियां के प्रधानों के उत्ते ने प्रैशर पाया जो ये कतल का मुकदमे के ऑर्डर हो गए। दिल्ली गुरद्वारा कमेटी का प्रधान उस वेले का उन्हें जाके जगदीश टाइटल सरोपा दिता, बल्कि इतों तक हाल आ। और गुरद्वारा कमेटी का प्रधान लोगों को जाके कह रहा जी टाइटल भाई साहब तो बेकसूर है, बल्कि यह कुछ असं इतने देखिया कि और ये हमेशा कहता रहा कि जी सिख तो मेरे नाल कला फूलका ही आ जो मेरे खिलाफ लग्या वा। पर गल यह सारी की सारी मैं क्या भी कौम को पुछो कि कला फूलका लग्या कि सारी कौम ये पिछे ये खिलाफ लगी है। एक राहत है, एक आशा है, रोशनी की किरण है, जिहड़ी तारा है 302, 153, 149, 147, 148, 153 ये वो सारे च फांसी की सज़ा होएगी। लड़ाई लड़नी पई है, CBI ते प्रेशर रहिंदा रहा सरकारां दा, इस पहली बार है कि सरकार का कोई प्रेशर नहीं, करके CBI एक ट्रांसपेरेंट तरीके काम कर रही है। और नतीजा कि अज कोर्ट ने उहदे खिलाफ जिहड़ी तारा ने उहदा कॉगजेंस ले लिया और कॉगजेंस लैके उन्हूं 5 तरीक नूं समन कर लिया। मैं एक्सपैक्ट करदा कि जब 5 तरीक नूं जिहड़ा समन किया उन्हूं जेल भेजेगी उत्थों ही कोर्ट, और उन्हूं बेल का मौका भी नहीं देगी।